नमस्कार, डेजर्ट स्टॉर्म से मैं विमल शर्मा। महाविद्यालय चुनाव के रणभेदी बजने के साथ ही आज नामांकन भरने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। नामांकन भरने की प्रक्रिया के पहले दिन और अंतिम दिन आज ही आवेदन करने की तिथि थी और सुबह 11 बजे से लेकर 3 बजे तक का समय प्रत्याशियों को दिया गया था कि वे आकर अपना आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के दौरान छात्र संगठनों में भारी उत्साह देखा गया। भारी संख्या में लोग आज महाविद्यालय पहुंचे। बात करें एसपी के महाविद्यालय कॉलेज की, तो जहां आज 4 आवेदन किए गए, एक एवीपी की तरफ से, एक एनएसयूआई की तरफ से और 2 निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपने पर्चे दाखिल किए। निर्दलीय प्रत्याशियों में कांग्रेस के एनएसयूआई के बागी माना राम ने अपना पर्चा दाखिल किया। उन्होंने जिस दिन टिकट की एनएसयूआई ने घोषणा की थी, उसी दिन तय कर लिया था कि मुझे निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा और उसकी उन्होंने आज अपना पर्चा दाखिल कर दिया। इसी प्रकार भाजपा से बागी होकर दशरथ सिंह ने अपना निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दर्ज किया। इसी प्रकार एनएसयूआई की तरफ से अधिकृत प्रत्याशी के लिए दशरथ सिंह ने और एबीपी के सुमेर सिंह ने अपना पर्चा दाखिल किया। और इसी प्रकार पूरी जो एनएसयूआई की और एबीपी की पूरी टीम है, उस पूरी टीम ने, पूरे पैनल ने अपने आवेदन किए। अध्यक्ष पद की इन 4 लोगों ने आवेदन किए। एनएसयूआई और एबीपी ने, जो पैनल है, उस पैनल ने अपने पर्चे दाखिल किए। सभी पर्चों पर सिर्फ अध्यक्ष पद को छोड़कर आमने सामने की स्थिति है। और पर्चा दाखिल करने के बाद में प्रत्याशियों ने कैमरे के आगे क्या बात कही, वो हम आपको सुनाते हैं। इस बार चुनौती तो है, फिर भी लेंगे। जो छात्रों का मुझे सहयोग है, संगठन का विश्वास है, संगठन के विश्वास पर और छात्रों के सहयोग से हम दावेदारी करें तो उन पर पूरा भरोसा है कि वो हमें जिताएंगे। आपके गुट के जसवंत सिंह आपको छोड़कर एनएसयूआई के सामने, आपके सामने कैंडिडेट हो गए हैं, उधर क्या कहेंगे कि संगठन हमारे लिए सर्वोपरि है। अगर संगठन सभी को तो टिकट दे नहीं सकता, संगठन किसी एक को ही चुनेगा। अगर वो उसको मनोभावना है अपने संगठन को चुने नहीं चुने, वो अदरवाइज उसकी सोच है। संगठन हमारे लिए सर्वोपरि है। वो संगठन को छोड़कर निर्दलीय गया, निर्दलीय से वो अगर एनएसयूआई गया तो वो उसकी सोच है, उसके बारे में क्या लगता है कितनी चुनौती रहेगी, क्योंकि शहर जो इस बार निर्णायक रहने वाला है। चुनौती तो रहेगी, चुनौती तो होती है इसमें। शहर में कितनी पकड़ मजबूत है? शहर में अच्छी खासी पकड़ मजबूत है। मैं विश्वास है हमारे भाई पर, जो हमें फुल सपोर्ट करेंगे और हमें विजय बनाएंगे। एक बात बताओ समीर जी, लड़के आपको वोट क्यों दें, ऐसा क्या करेंगे आप उनके? उनके लिए हम हर समय उनकी हर समस्या के लिए उपलब्ध रहेंगे। छात्र परिसर में आपने देखा भी है, हमारे ना ही किसी प्रकार से हमारे खेल विभाग में किसी का कोई ध्यान है, ना ही कोई पढ़ाई प्रति ना ही कोई ध्यान है। हम उनकी सारी हर समस्याओं के लिए संघर्ष करेंगे, उनके लिए आगे आएंगे। कितने वक्त से जो है बीपी के साथ संघर्ष कर रहे हैं? मैं 3 साल से कर रहा हूँ, अभी मेरा 3रा साल चल रहा है। अपने बारे में बताएं सुमेर सिंह जी। सुमेर सिंह आकल गाँव का निवासी हूँ। मैंने 12th तक की पढ़ाई नवोदय विद्यालय समिति से की है। पिताजी क्या करते हैं, आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में? मेरे पिताजी फौज से रिटायरमेंट है और अभी खेतीबाड़ी करते हैं, भाई भी खेतीबाड़ी करता है, नॉर्मल फैमिली से। तो मैंने एनएसयूआई से अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया है, क्योंकि एनएसयूआई इस बार मजबूत स्थिति में है, क्योंकि वो महाविद्यालय कैंपस में 365 दिन हर आम छात्र की आवाज़ बनकर अग्रिम पंक्ति में खड़ी रही है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि सभी विद्यार्थियों भाइयों से विश्वास है कि उन्होंने 101% विश्वास दिलाया कि इस बार मजबूत स्थिति से एनएसयूआई पार्टी से निकलेगी, सभी प्रत्याशी विजय हासिल करेंगे। आप एबीपी में 4 साल आपने काम भी किया, फिर ऐसा क्या हुआ कि आप एनएसयूआई जॉइन कर? देखो, हमने काम किया, कोई ना कोई किसी काम करने के लिए कोई माध्यम होता है। संगठन, उस संगठन में काम किया जिसकी कोई कदर कोई कायदा नहीं होता है। फिर अगर कोई वो अपने उसूल, कोई स्वाभिमान की बात अगर आती है तो फिर वो दूसरी जगह जाना कोई इतनी गुना नहीं होता है, क्योंकि मैंने मजबूती से मेहनत की। पिछले 4 साल से मैंने इस महाविद्यालय में, मैं धरातल से जुड़ा हुआ, सामान्य परिवार से हूँ, तो मुझे पता है हर आम छात्र की, हर आम भाई की क्या समझा। क्योंकि लोग जातिवाद, धर्म के नाम पर, कोई पंथ के नाम पर ऐसी राजनीति करते हैं, पर वो मुझे, वो मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि वो मेरे जुनून के अंदर ही नहीं है। आपको लगता नहीं कि एबीवीपी में जब आप एबीवीपी में थे, फिर वहाँ से अब आप एनएसयूआई में, तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ आपकी जो उम्मीदवारी
उसको लेकर कहीं निर्दलीय खड़े होंगे, आपको हराने की कोशिश होगी? देखो, कोशिश किसी के प्रति होती रहे, आलोचनाएं होती है, कोई विपक्षी होते हैं, उससे हमें मतलब हम मजबूत है क्योंकि हमने मेहनत की है। हमें पता, हमें खुद पे कॉन्फिडेंस है कि हमने मेहनत की है। 2017 से हम लगातार इस महाविद्यालय के परिसर में सक्रिय है, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसमें कोई दोहरा है नहीं कि हम प्रचंड रूप से विजय हासिल करेंगे। निश्चित है, अगर वो कोई संगठन कोई बैनर उनको तय नहीं करता, अगर उनकी कोई अगर आवाज उठाता, अगर कोई सामान्य व्यक्ति की आवाज उठाता, तो उस व्यक्तित्व के निर्भर करेंगे, उसके साथ रहेंगे। आपने एबीवीपी से आवेदन किया था, फिर आपको एनयूसी से टिकट मिल गई, क्या रहा आवेदन? है एनयूसी, हमें स्वीकार किया गया, अगर ये सामान्य व्यक्ति धरातल से जुड़े हुए हर विद्यार्थी की ये आवाज उठा सकता है, मेरी एक अंदर वो योग्यता देखी और एनयूसी परिवार ने मुझे स्वीकार किया, उसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। आपको कितनी आसान लगती है? आसान है, ये तो तय करता है, कारवा तय करता है। अभी आपने बाहर भी देखा है, भाइयों का कारवा देखा आपने, तो ये तो निश्चित रूप है, ये तो परिणाम आ चुका है, समझो ये तो जीत तो हो चुकी है, पर प्रचंड रूप से हो रही है वो आपका भी। छात्र हितों के लिए क्या करेंगे आप? पहले सर्वप्रथम मेरा तो यही रहेगा कि जो बाहरी लोग आते हैं, बड़े लोग जो चुनावी मेंढक बन के आते हैं और अपने जातिगत वोट बैंक बना के अपने रोटियां सेंकना चाहते हैं, मेरा सर्वप्रथम यही रहेगा सभी 36 कौम को, चाहे वो किसी भी कौम से बिलोंग करता है, वो मेरा भाई है। अगर इस महाविद्यालय के अंदर वो पढ़ता है, चाहे बाहर पढ़ता है, तो मैं उसके अंदर कोई तनिक रूप से मैं उसके भेदभाव नहीं करूंगा, क्योंकि वो मेरा भाई है, हम सब एक है, मजबूती से लड़ेंगे, एक स्तंभ के रूप में लड़ेंगे। निर्दलीय जो उम्मीदवार करेंगे उससे कहीं ना कहीं खतरा लगता है आपको? कोई खतरा निश्चित रूप से कोई खतरा नहीं है, हम सब एक है, भाई उसी को चुनेंगे, विद्यार्थी वो तय करेंगे, जो उनकी आवाज उठा सकता है वो योग्यता देखेंगे। माननीय जी, आपने निर्दलीय प्रचार बढ़ा है अध्यक्ष पद के लिए, क्या वजह रही एनएसयूआई से आपको टिकट नहीं मिला? वजह तो सर मुझे खुद को भी पता नहीं है, हम एनएसयूआई से जुड़े हुए हैं, आगे भी जुड़े रहेंगे, संगठन सर्वोपरि है। संगठन सर्वोपरि है तो फिर आप निर्दलीय क्यों लड़ रहे हैं? निर्दलीय सर इसलिए लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारा जो मेहनत थी, संघर्ष था, वो हमें कहीं किसी कारण फायदा नहीं मिला, तो हम सोच रहे हैं कि हम छात्र संगठन के लिए तैयार हैं। मुझे छात्रों ने कहा अपन को चुनाव लड़ना है, भले चाहे कौन सी भी कैसी भी स्थिति हो, मैं मेरे पीछे छात्र शक्ति खड़ी है, उन्हीं की वजह से मैं आज यहाँ मौजूद हूँ, इसलिए मैंने चुनाव लड़ने का फैसला किया और मैं चुनाव लड़ूंगा और जो रिजल्ट आएगा वो आपको 27 तारीख को बता देगा, एक छात्र शक्ति बताएगी। यहाँ मानाराम नहीं, यहाँ कई ऐसे छात्र शक्ति जो मानाराम बन के लिए। आपको क्या लगता है, जब एबीवीपी का जो उम्मीदवार था उसको फिर एनएसयूआई ने अपने यहाँ से टिकट दे के जो काम किया है, उसके बाद से आप अपने आप को कितना सशक्त मानते हैं उनके सामने? सर ये बात की जाए तो मुझे कहीं ना कहीं एनएसयूआई पार्टी को लग रहा था कि ये एक गरीब परिवार के से बच्चा आता है, ये इतना पैसा खर्च नहीं कर पाएगा। मुझे उन्होंने कहा था कि आप 10-12 लाख रुपये नहीं लगा सकते, तो मैंने कहा आज लोकतंत्र की स्थिति में हर गरीब भी चुनाव लड़ सकता है, यदि उसने मेहनत की है उसका मेहनत का फल कहीं ना कहीं एक छात्र देंगे, जहां वो जिस फील्ड में मेहनत करता है वहां की जनता या जनाधन देती है उसको। तो मैंने कहा सर पैसे नहीं है तो कोई बात ना, पर कहीं ना कहीं आप मनोबल बढ़ाइए, एक छात्र को पैसे के मायने उसको कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए, पैसे से उसे सर्टिफाइड मत कीजिए, यही कारण मुख्य कारण रह सकता है मेरे हिसाब से। तो आपने विरोध प्रदर्शन भी किया था? विरोध प्रदर्शन हमने नहीं किया, हमें कुछ बातें समझ नहीं आती थी, उससे पहले भी बहुत कुछ हो चुका था, फिर भी हमें ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं जिस संगठन से हम जुड़ी हुई है वो संगठन हमारे साथ कुछ मतलब ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं हम कट ले समय रहते ही पहले, और मेरी जो साथ खड़ी थी छात्र शक्ति, उन्हें चीज भांपने से पहले उन्होंने हमारे संगठन के बारे में हाया एक नारे लगाए, तो उसके लिए मैं एक माफ़ी भी मांगना चाहता हूँ। पर कहीं ना कहीं एक युवाओं का, एक छात्रों का अपना भी आक्रोश होता है, उसी आक्रोश की वजह से उन्होंने लगाई है। फिर भी मैं कहता हूँ कि मैं चुनाव लड़ूंगा और जिन छात्रों का मेरे ऊपर भरोसा है उस भरोसे के माध्यम से मैं आगे बढ़ूंगा, और दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों से कई ऐसे छात्र भाई बहन होते हैं जिनकी समस्याएं होती है, वास्तविक समस्या उनकी होती है कि हमें कॉलेज में इन्फॉर्मेशन चाहिए, आज उनके एग्जामिनेशन फॉर्म से लगा के ऐसे छोटी छोटी कई समस्याएं होती है, आज कहते हैं भाई हमें आईडेंट कार्ड लेना है, या भाई कौन सी क्लास लगेगी, या ऐसी कई होती है जिनके साथ मैं उनके
बीच में उनको ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें गाँव बैठे उन्हें हाँ ना आने के लिए उनको सीधा ये इन्फॉर्मेशन कर देता था, उनके साथ खड़ा रहता था। कहीं उनके कागजों में ऐसी कोई प्रॉब्लम होती तो मैं उनके साथ खड़ा रहता था, उनकी इन समस्याओं का समाधान करवाता था। यदि संगठन आपसे समझाइश करता है वापस, क्योंकि आपने कहा संगठन सर्वोपरि है, तो क्या आप नामांकन नहीं संगठन सर्वोपरि ये मानते हैं पर नामांकन वापस लेना ये मैं नहीं मानता हूँ। आज मेरे साथ जिनकी भावनाएं जुड़ी है, जो छात्र शक्ति मेरे साथ जुड़ी हुई है, मैं उनकी भावनाओं को नहीं तोड़ सकता। तो आपको एक लगता कहीं ना कहीं निर्दलीय खड़े होने से एनसीआई में दो पार्ट होने से कहीं ना कहीं एबीवी को फायदा होगा? नहीं ऐसा कुछ नहीं लगा, एबीवी या एनसीआई हर अपनी अपनी मेहनत करेंगे, सब मेहनत करते हैं, जो मेहनत करेगा वो निकलेगा, चाहे एनएसआई का हो चाहे एबीपी का हो चाहे निर्दलीय हो। मेरा नाम निर्मल कुमार है, कोटड़ी गांव से हूँ मैं, और उपाध्यक्ष पद के लिए आज नामांकन दाखिल किया है। किस पार्टी से आपने नामांकन दाखिल किया? एनएसआई पार्टी से मैंने नामांकन किया है और हम विजयी हो रहे हैं। आप किन छात्रों के मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में? हम जो भी छात्र गरीब छात्र जो यहाँ पर कॉलेज में आ रहे हैं उनको कोई कमी पेशी हुई हर कमी पेशी पूरा करेंगे और हमारा पूरा पैनल उनके हर टाइम साथ रहेगा। कोई भी कॉलेज से संबंधित कोई भी कार्य से लेकर हमारा कॉलेज के प्रत्याशी है जो हर वक्त उनके साथ रहेंगे।